ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलके मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। आज पूरे विश्व में ईद पूरे हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी ईद की रौनक देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मौके पर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बता दें, ईद रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाई जाती है। इस्लामी साल में दो ईदों में से ये एक है। ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने महीने भर के उपवास रखने की शक्ति उन्हें दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के व्यंजन के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं। परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। मसरात, ये ईद उल फितर का त्यौहार है। ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं बल्कि सारे इंसानियत के लिए एक पैगाम है। सबके लिए एक पैगाम दिया जाता है, एक चारगी भाईचारगी का, आपस में एक जहती का, प्यार प्रेम का, मोहब्बत का संदेश देता है। आप सभी हजरात से मेरी ये अपील है, गुजारिश है कि सभी हजरात अपने देश के लिए दुआ करें कि हमारा देश और दूसरे देशों की तरह भी तरक्की कर पावे। इसलिए कि हमारा देश में बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, गरीबों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो इसलिए सभी भाइयों से, मीडिया वालों से, सभी से मेरी ये अपील है कि अपने देश के लिए खासकर ये दुआ करें खुदा से, अल्लाह वाहिद ला शरीक से, कि आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक रहमत फरमाएं। और ये जो ईद का त्यौहार है, आपस में सबको भाईचारगी का संदेश देता है और मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। इंडेक्स प्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट।